पूरक शिक्षा के जिससे जीवन में उजियारा है, शिक्षा हमसे छूट गई तो, शिक्षा हमसे छूट गई तो जीवन कर दिया रहा है। बहनों, हमारा आज का अक्षर है ला। ये क्या है? इसे तो हम सब पहचानते ही हैं। हाँ, ठीक कहा, ये है न। इस न पर अगर हम एक हसिया रख दें तो वो देखने में अक्षर ला जैसा लगने लगता है। एक बार फिर देखें, ना, ना के ऊपर हसिया, ये बन गया ल। अरे काय को धक्का मार रही है? अरे चुप ना रे, देख ना रे प्रेम भाग रहा है। बोल तो ऐसा रही है जैसे तेरा ही पूत होगा। अरे होशियार मत बने, कोख में नहीं रखा तो क्या हुआ, वरना क्या ना किया है? 2 महीने का था जब से पाला है। अरे अरे निकल गया सबसे आगे। आज हम लिखते हैं ला अक्षर। ला अक्षर हसिया होता है ना, उसके जैसा है। ये रहा हसिया का अगला हिस्सा, और ये हसिया को पकड़ने वाला हत्था, और फिर वही एक खड़ा डंडा, और ऊपर वैसी ही एक छत जैसी लकी। देखा कितना आसान है ना ला अक्षर बनाना। ये अगला हिस्सा हसिया का, हत्था, खड़ा डंडा और ऊपर छत जैसी लकी। कितना आसान है ना ला अक्षर। मैंने अब तक कितने सारे अक्षर सिखा दिए तुम सबको, पर एक वादा करो कि तुम सब वो सीखे हुए अक्षरों को बराबर दोहराती रहोगी, भूलना नहीं, ठीक है ना? आज हमने कौन सा अक्षर सीखा? ला, ला सीखा ना? इसको भी दोहराते रहना। भगवान जाने मास्टरनी घर पे मिलेगी भी कि ना। है राम राम मौसी, गाजर ना है मेरे पे, जब आवेगी तब ले जाइयो। बेकार की टोका टाकी करे, राह चलती को टोक दे, मुझे ना अच्छा लगा बिल्कुल भी। ऐसा अरे मौसी तुम, राम राम, आओ बैठो। आज कहाँ से रास्ता भूल पड़ी? अरे बहन जी, कई दिन से मिली नहीं थी तो मैंने सोची मिली हूँ जाके। सच बताना मौसी, तुम मुझसे मिलने आई हो या फिर इससे? अब बहन जी तू मेरा जी तो जलावे मत सुबह सुबह। कमला, मौसी के लिए छाछ तो लाना जरा। क्या बात है, कुछ काम था? काम ही होएगा तभी आऊंगी, बिना काम के नहीं आ सकती क्या? क्यों नहीं आ सकती, तुम्हारा तो राज है पूरे गांव में। देख ले बहन जी,
अब ये तेरी आफत की पुड़िया फिर दिखा के खिजा रही मुझे। हाँ अरे मौसी, ये चिढ़ा नहीं रही है तुम्हें, ये तो वही पुरानी बात कह रही है कि पढ़ो पढ़ो और लिखो। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे बैठो ना, अभी लाती होगी कमला छाछ। अरे मैं अंदर ही जाके पी लूंगी, अब बाहर ये बैठी है ना झाड़ का कांटा। हाँ तुम्हारी मर्जी। अरे कमला भैया क्या कर रही है अंदर बैठ के, कहाँ छिपी बैठी है? चलो चलो। अरे कमला, अरे मौसी छाछ पिएगी ना? काम था तुझसे, बता। किसी से कहेगी तो नहीं? अरे ना मौसी, कह के कोई मरना है ना? तू कह देगी? अरे ना कहूंगी मौसी। नहीं, ये जरूर सबको बता देवेगी, फिर मास्टर नी गौरी सब मेरे खिल्ली उड़ावेंगी। अरे मौसी कहाँ चल रही? अरे काम तो बता दे। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे भला क्या काम होगा तुझसे हैं? राम जाने। ये है नल जो हमें साफ पानी देता है, ना ल नल। फिर देखो नल, न ल नल। पहचाना ये क्या है? हाँ ये है कलम, क ल म कलम। और ये है ल, इस ल को क और म के बीच रखा, बन गया कलम। कलम लिखने के काम आता है, क्या आपने लिखना शुरू किया? आइए देखें ल से हम और क्या क्या बना सकते हैं। न ल नल, नल। न आ का डंडा, ल नाल। न आ का डंडा, ल न ल नल। क ल कल, क ल म कलम। न ल नल, न आ का डंडा, ल नाल। न आ का डंडा, ल आ का डंडा, नाल। न ल नल, क ल कल, क ल म कलम। मजा आ गया पढ़ता, कसम जवानी दी, जवाब नहीं तेरे खाने का। ठीक है ठीक है, खाने की तारीफ बाद में करना, पहले तू ये बता कि पिछले चार दिनों से गायब कहाँ था? ओए पंडिता, देश का सबसे बड़ा आबादी वाला सूबा जानता है केड़ा है? हाँ अपना उत्तर प्रदेश। आहो, उसी की राजधानी लखनऊ गया सी। लखनऊ नहीं, लखनऊ। आहो लखनऊ, और ये मैं अपने जिगरी यार दे वास्ते लाया हूँ वहाँ से। मेरे लिए? ओए छोटू ला फड़। आहा बहुत सुंदर लगता है, लखनऊ की महक भी है इसमें। कितना अच्छा काम किया गया है। वाह वाह बहुत सुंदर है। लखनऊ भी बहुत सुंदर है जी, गोमती, बड़ा इमाम बाड़ा, फूल पलैया, अच्छा रूमी दरवाजा, और हाँ वो रेजिडेंसी जहाँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी। बड़ी बहादुर औरत थी। गोमती नदी के किनारे बसी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। यहाँ की रेजिडेंसी, बड़े और छोटे इमामबाड़े की शान ही अलग है। पूरा शहर पुरानी शानदार इमारतों से भरा हुआ है जो हमें अपने गौरवमय इतिहास की याद दिलाती हैं। इसकी मीनारों, गुंबद, दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी किसी का भी दिल मोह लेंगी।
इन्हीं से जन्मा है यहाँ के लोगों में प्यार, इनकी शालीनता व अपनापन। पंडिता मैं तो कहता हूँ वहाँ की औरतें आज भी बड़ी बहादुर हैं, अब वो गरीबी से लड़ रही हैं। अच्छा दर्शन, ये बता और क्या क्या देखा तूने वहाँ? बहुत कुछ देखा इन आँखों ने, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है हमारा देश गरीब नहीं रह सकता। अरे पंडित, जिस देश की औरत जाग उठती है वो देश गरीब नहीं रह सकता। हाँ ये तो ठीक है। न ल नल, न आ ल नाल, न आ ल आ नाला, नाला नाल नल। ला ला लाला का न ल नल, लाला का नल। अरे देखिए तो ये क्या बन रहा है? ओह ये तो मकान बन रहा है, पर किसका मकान है? अच्छा ये है कमला का मकान, क म ल आ कमला, का म क आ न मकान, कमला का मकान। और ये है क म ल आ कमला, का क ल म कलम, कमला का कलम। याद है ना ल कैसे बनता है? ल ना जो हम जानते ही हैं, न पे रखा हसिया और बन गया ल। और इसे लिखते कैसे हैं? ये बताएगी हमारी पेंसिल। बहनों हम आज पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा। सुधा, अरे ओ सुधा। अरे मौसी आओ बैठो ना। अब बोलो चिट्ठी पढ़वाने आई हो क्या? देख तुझे मेरी सौगंध है, किसी से कुछ कहियो मत। मौसी कहा है मैंने किसी से आज तक जो आज कह दूंगी? अच्छा अच्छा नहीं कहूंगी, ला चिट्ठी दे ले। मेरी प्यारी माँ अर्थात जगत मौसी, सादर प्रणाम। मैं कुशल पूर्वक हूँ, आशा है तुम भी ठीक होगी। और पूरे गांव का नाक पे दम कर रखा होगा। देखियो तुम्हारा कैसे अपनी अम्मा को लिखे हैं? आने दे ना जूतों से खबर ली। मौसी फौज के इतने बड़े अफसर को मारेगी? अरे अफसर होगा फौज का, मेरी तो गोद का खेला है। और जब तक पिटना लेना मुझसे, चैन भी ना आवे मरे को। ले तू पढ़ा दे। हाँ, तुमने इस होली पर मेरी राह देखी होगी। तेरी देखी माँ मेरी ट्रेनिंग, माँ मेरी ट्रेनिंग थी इसलिए नहीं आ सका। माँ तुझे ये जानकर खुशी होगी कि मैं अपनी यूनिट का सबसे अच्छा खिलाड़ी चुना गया हूँ, बहुत से कप और मेडल मिले हैं। देखियो तो सब तेरे लिए लेकर आऊंगा, मेरे रूप में तूने ही उन्हें जीता है। अगर तू मुझे ना पढ़ाती तो ये सब कैसे होता? देख मौसी रही ब्याह की बात तो तू अभी ठहर जा, अभी कुछ नाम और कमाने दे, फिर जो भी लड़की तुझे सुखी रखेगी मंजूर है मुझे। गांव वालों को प्रणाम, तेरा बेटा प्रेम सिंह।
बोल मौसी, क्या लिखूं? नहीं बेटा, अभी रहने दे। ये है बड़ी ई की मात्रा, जो देखने में एक बड़ी सी सुई जैसी लगती है, जिसको पकड़ने के लिए हत्था लगा हो, और जब ये सुई कोई हमें चुभाए तो हम बस करके रह जाते हैं। हाँ, तो समझ में आया? ऐसी होती है बड़ी ई की मात्रा। आओ एक बार फिर देखें। बड़ी ई की मात्रा जैसे एक बड़ी सी सुई जिस पर हत्था लगा हो, और जब ये सुई चुभे तो हाँ, तो बस ई निकलता है। याद रहेगा ना, बड़ी की मात्रा। माजी भी कि मेरा बापू कितना गरीब है, इतना कुछ कर करा के भी उसने जो कुछ दिया उसी से उसकी कमर टूट गई। अम्मा ने फिर कुछ कहा तेरे को? जवान से तो ना कहे, उसके हर बात का जवाब यही हुए है। तू ही बता दो क्या कसूर है मेरा, मैं उसकी हर बात माने हूँ, उसकी इतनी सेवा करे हूँ, उसकी हर कड़वी से कड़वी बात को भी यूं हंस के पी जाऊँ। हम इतने गरीब क्यों हैं? मेरा मन चाह है कि सारे संसार के सुख तेरी गोद में डाल दूं, पर क्या करूं, पैसा ही ना है। सुख का संबंध पैसे से ना हुए है, वो तो मन से हुए है। कितने सपने देखूं मैं तेरे लिए? देख, सपने तभी सच होते हैं जब आदमी काम करे है। यूं यूं हाथ पे हाथ धरे सपने देखना तो कायरता होवे है। तू ही बता क्या करूं, सारे दिन मजूरी करके मुश्किल से एक बखत की रूखी सूखी जुटा पाऊं। तू कहे तो मैं एक बात कहूं, मेरे पास एक उपाय है। तू बोल, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर लूंगा। सच सच? देख, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, और फिर वहां जाके मैं खूब सारी पढ़ाई करूंगी, और फिर ठीक है, जो तेरे को अच्छा लगे तू कर। तेरे को बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं, तू जा। लकी, कमला क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर खो गई उन पुरानी बातों में। लकी दे, ये है क। क पर लगाई ई की मात्रा, फिर जोड़ा ल, बन गई कील। ये तो हम जानते ही है ना कि कील कितने काम की चीज है। लो फिर से देखें कि कील कैसे बनी। क बड़ी की मात्रा, ल कील। अरे ये क्या है? अच्छा, नीम। देखें तो नीम कैसे बना। ना पर बड़ी ई की मात्रा लगाई, फिर जोड़ा माँ, और बन गया नीम। आपको पता है नीम के कितने फायदे हैं? जब तक मैं जीवित हूँ तुम इस गांव के किसी पेड़ को नहीं काट सकते। और फिर ये तो नीम का पेड़ है, ऐसा पेड़ जिसकी हर चीज करामद होती है। वो कैसे? इसकी टहनी की दतून बना लो, कभी दांत खराब नहीं होंगे। सूखी पत्तियां अनाज में डाल दो तो अनाज खराब ना हो। इसकी निबोलियां 10 बीमारियों में काम आती है। अरे पागलो, इसकी तो छाया भी बीमारी भगाती है, समझे? लेकिन हम पेड़ काटेंगे नहीं तो जलाएंगे के? जलाने वाली लकड़ी पेड़ खुद देता है, खुद टूट कर गिर जाती है। और फिर जलाने के लिए अरहर के झोटे हैं, सदाबहार उपले हैं, और गोबर गैस है। गोबर गैस?
ये क्या है? फिर किसी दिन बताऊंगा, आज नहीं। आज तो मेरे भाई बस इतना ही समझाऊंगा कि पेड़ क्यों नहीं काटना चाहिए। सब मिलके सुनो, सुनो ये मेरी बात। क्या? मत काटो इन पेड़ों को जो साफ हवा और छाया देवे। ये काले कजरे बदरा लाकर पानी को बरसा कर धरती की ये प्यास बुझावे। इसीलिए कहता हूँ सबसे मत काटो इन पेड़ों को जो साफ हवा और छाया देवे। जो मिट्टी हमको खाना देती, मिट्टी हमको खाना देती, वो मिट्टी भी ये पेड़ बचावे, मिट्टी भी ये पेड़ बचावे। इसीलिए कहता हूँ सबसे मत काटो इन पेड़ों को जो साफ हवा और छाया देवे। आओ 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 हम सब एक एक पेड़ लगाएं, एक एक पेड़ लगाएं। देश से सूखा दूर भगाएं, देश से सूखा दूर भगाएं। अपनी इस धरती को हम हरा भरा स्वर्ग बनाएं, हरा भरा स्वर्ग बनाएं। इसीलिए कहता हूँ सबसे मत काटो इन पेड़ों को जो साफ हवा और छाया देवे, मत काटो इन पेड़ों को जो साफ हवा और छाया देवे। लो जी, मैं आ गई। लेकिन आज मैं तुम्हें कोई नया अक्षर नहीं सिखाऊंगी, आज मैं तुम्हें एक नई मात्रा सिखाऊंगी, बड़ी की मात्रा। बहुत आसान है ये, तो तुम खुद भी लिख लोगी। ये एक खड़ा डंडा, उसके ऊपर उल्टा चांद और चांद के नीचे लकीर, ये है बड़ी की मात्रा। आसान है ना? ये मात्राएं अलग अलग शब्दों को बनाने में बहुत काम आती हैं। एक बार फिर, ये डंडा और ये उल्टा चांद, चांद के नीचे छत वाली लकीर। अच्छा, एक वायदा करो फिर से कि जितने शब्द अब तक सीखे हैं और जितनी मात्राएं सीखी हैं उन सबको दोहराती रहोगी। दोहराओगी ना? ना कील, ना ई, ला नील, ना ई मा नीम, का ई ला कील, ना ला नील, ना ई मा नीम। शिक्षा दे चलो के राह
अपनी